ईश्वर ही है और है कौन। मन क्या है? मन है सुमन, शीतल अग्नि। बचपन में जब आप छोटे थे वो सुमन था, शीतल अग्नि। बड़े होने के साथ वो बना कुमन, कल्लुमन, कलकल में जीने वाला। कल क्या हुआ था, कल क्या होगा, कल्लुमन। उसको वापस से फिर हमें बनाना है शमन। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें, सभी खोजी उच्च चेतना से विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। जो अवस्था आप ध्यान के द्वारा प्राप्त करते हैं, श्रवण के द्वारा प्राप्त करते हैं, जागृति के साथ दिन भर जीकर प्राप्त करते हैं, उसका तप, उस तप का बल आप सभी के कल्याण के लिए दान करना चाहते हैं। इस समझ के साथ आप दुआ करेंगे, दावा करेंगे कि सभी की चेतना ऐसी बन सकती है, खुल सकती है, विश्व के सारे मनुष्य सजग हो जाएं, जागृत हो जाएं, अपने अंदर के अनुभव को महसूस करने के लिए, अपने अंदर के आकाश तत्व को जागृत करने के लिए, बाहर के आकाश और अंदर के आकाश में एकाकार होने के साथ जो शुभ्र प्रकाश है बड़ी आसानी से अपना प्रभाव ला सकता है। सारे मनुष्य पूरी एकाग्रता के साथ शुभ्र प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण करें, ऐसी क्षमता हर इंसान में पैदा हो। इस क्षमता से लोग उपचार प्रकाश को उपयोग में लाएं, अपनी बीमारियां दूर करने के लिए, अपने हुनर बढ़ाने के लिए, भाईचारे के साथ जीने के लिए। हे परमात्मा, आप आकाश के पार हो, आपका परम आकाश सभी के अंदर जागृत हो, सभी आपके प्रकाश में स्वास्थ्य प्राप्त करें, समृद्धि प्राप्त करें, होश प्राप्त करें, कला प्राप्त करें। यह आपकी कृपा से हो सकता है, कृपया यह कृपा जारी रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके आकाश में किसी रोग को प्रवेश नहीं है, सारे रोग समाप्त होते हैं जब शुद्ध आकाश तत्व जागृत होता है। सभी इसी चेतनता में आकाश तत्व को इनवाइट करें, आमंत्रित करें, हमारे अंदर का आकाश तत्व खुले और यह तत्व सब पर छा जाए, सबका आकाश मिलकर परम आकाश के साथ एक हो जाए, विश्व की चेतना एक साथ बढ़ जाए, सारी नकारात्मकता हिंसा विश्व से समाप्त हो जाए, सारा पर्यावरण इस आकाश तत्व में शुद्ध हो जाए, सभी श्वास की ऊर्जा से परम स्वास्थ्य प्राप्त करें, तंदुरुस्ती चुस्ती प्रेम आनंद मौन संतुष्टि सभी को मिले। ऐसा हो रहा है, ऐसा होते हुए देखें, सभी आकाश तत्व में एक हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, एकात्मता का अनुभव कर रहे हैं, कोई द्वेष नहीं रहा है, कोई नफरत नहीं बची है, सभी अपने अहंकार को विलीन करके खुशी के साथ जीवन जी रहे हैं, पृथ्वी फिर से स्वर्ग बन चुका है। इस समझ के साथ अपनी इस कल्पना में जो शब्द आप कहना चाहते हैं जोड़ें, कुछ समय इसी तरह प्रार्थना करते रहें, अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी आंखें खुलें,
आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आज की बातें सुनते सुनते आप ताकत महसूस करेंगे। कुछ छोटे छोटे प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न आता है, शरीर क्या है? शरीर को ऐसे समझो कि आप हारमोनियम बजाना चाहते हैं, हारमोनियम, और आपकी बहुत इच्छा है मैं सीखूं हारमोनियम, और प्रैक्टिस के लिए आप कोई किसी पड़ोसी से, किसी मित्र से, पहचान वाले से हारमोनियम लेकर आते हैं। वो आपको कहता है कि ये हारमोनियम कैसा है, अच्छा बजता है, ब्रांडेड नहीं है, अच्छा बजता है, मगर थोड़ा बीच बीच में हिलता है, बीच बीच में शेक होता है, वाइब्रेट होता है। तो आप कहते कोई बात नहीं, मुझे बजाने से मतलब है, मुझे अभ्यास करने से मतलब है। तो जब आप हारमोनियम बजाते हो तो वो बीच बीच में हिलता है, मगर आपका ध्यान कहाँ होता है? बजाने पर, सीखने पर। तो हमारा शरीर हारमोनियम की तरह, जिसके द्वारा आप अभिव्यक्ति कर रहे हैं, इसके संगीत से आप आनंद ले रहे हैं, दूसरों को आनंद दे रहे हैं, मगर ये बीच बीच में इमोशन से वाइब्रेट होता है, बीच बीच में हिलता है। तो आप कैसे देखोगे इस हारमोनियम को कि इसके बावजूद भी मुझे अपना अभ्यास करना है, यानी जो भी इमोशंस आपको आते हैं उनके बावजूद भी हमें अपना अभ्यास जारी रखना है। इस दृष्टिकोण से अपने शरीर को देखें, पहला छोटा सवाल। दूसरा, मन क्या है? मन है सुमन, शीतल अग्नि। बचपन में जब आप छोटे थे वो सुमन था, शीतल अग्नि, बड़े होने के साथ वो बना कुमन, तोलुमन, कल्लुमन, कलकल में जीने वाला, कल क्या हुआ था, कल क्या होगा, कल्लुमन। उसको वापस से फिर हमें बनाना है शमन, शमन यानी क्षमा से साफ किया हुआ मन, क्षमा से धुला हुआ मन, प्योर मन। अब सुमन यानी क्या है? शीतल अग्नि। शीतल अग्नि यानी क्या? जिसमें आपने लकड़ियां डाली तो उससे धुआं नहीं बनता। जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसमें कौन सी लकड़ियां जाती है? लकड़ियां यानी ईंधन। हमारी इंद्रियां जो है, आंख है, कान है, नाक है, जुबान है, त्वचा है, इनके द्वारा क्या जाता है? ईंधन, फ्यूल। ये लकड़ियां जाती है आग में, और आग से निकलता है धुआं। ये धुआं क्या है? वृत्तियां, वृत्तियां, ऐसी आदतें जिसकी वजह से लोग व्यसनों में जाते हैं, विकारों में जाते हैं। ये धुआं कोहरा बनकर इस मन के चारों तरफ खड़ा है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।